नमश्चण्डिकायै सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवे दुर्गे देवि नमोस्तुते। ॐ नमश्चण्डिकायै। आत्मित्रों जय माता दी। कल श्रावण मास का पावन दिन सोमवार है, पूर्णिमा तिथि है और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। कल बड़ा ही सुंदर मुहूर्त रक्षाबंधन के लिए बन रहा है, जो कभी कभी आता है। इस बार श्रावण महीना सोमवार दिन से प्रारंभ हुआ और सोमवार को ही श्रावण महीना संपन्न होने जा रहा है। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो कल है, लेकिन विशेष ध्यान देने योग्य है कि बहनें राखी बांधेंगी तो किस समय बांधेंगी, क्योंकि समय का बहुत ही बड़ा महत्व है, मुहूर्त का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो कल दिन में 8:28 तक भद्रा है, तो भद्रा में राखी नहीं बांधना है। भद्रा में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि रावण ने अपनी बहन से भद्रा में ही राखी बंधवाई और उसके 1 साल के भीतर उसका विनाश हो गया। उसी समय से भद्रा में राखी नहीं बंधवाने का लोगों ने संकल्प लिया और राखी हम भद्रा में नहीं बंधवाते। तो 8:30 तक तो भद्रा है, तो भद्रा में राखी नहीं बांधनी है और उसके बाद से 8:30 से लेकर के 10:00 तक साढ़े सात बजे से लेकर के 9:00 तक राहु काल है। तो राहु काल में भी राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। तो 8:30 तक तो भद्रा है और 9:00 तक राहु काल है। तो राहु काल का परित्याग करेंगे हम, 9:00 के बाद बहने राखी बांधेंगे। जिन बहनों को इच्छा हो कि नहीं बिल्कुल विशेष मुहूर्त में ही हम अपने भाई को राखी बांधेंगे, तो उसके लिए 2:00 से लेकर के 7:00 तक बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। चौघड़िया है, चौघड़िया के हिसाब से 2:00 दिन से लेकर के शाम को 7:00 तक विशेष उत्तम मुहूर्त है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कल 9:00 के बाद से बहनें राखी बांध सकती हैं भद्रा और राहु काल का परित्याग करके। 2:00 से विशेष मुहूर्त है जो 7:00 तक है, उस मुहूर्त में विशेष रूप से बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगे। जय माता दी।